हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज ये चिकन मैक्रोनी पास्ता रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी जो है क्विक और इजी तैयार हो जाने वाली रेसिपी है, तो चलो ये रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ये रही 2 कप मैक्रोनी, और मैं इसको 2 पानी से अच्छा वॉश कर ले रही हूँ। और अब इसके बाद देखो, मैं ये पानी अच्छा गर्म कर ले रही हूँ, बॉईल कर ले रही हूँ। और ये गर्म पानी में मैं ना मैक्रोनी ऐड कर ले रही हूँ। और ये देखो, गर्म पानी में डालने के बाद मैक्रोनी अच्छा पक रही, तो मैं अब इसको एक बार चेक कर ले रही हूँ ये गली क्या नहीं। और देखो, अभी थोड़ा पकना बाकी है, तो मैं इसको और थोड़ी देर पका ले रही हूँ। और ये देखो हो गई, तो मैं अब इसमें से पानी अलग कर दे रही हूँ। और देखो ये, और इसमें मैं थोड़ा ऑयल ऐड कर रही हूँ नॉन स्टिकी रहने के लिए। और देखो ये अच्छा गल गए, तो मैं अब इसको साइड में रख दे रही हूँ। और मैं अभी ये 150 ग्राम चिकन ले रही हूँ, बोनलेस चिकन है ये। और अब इसको वॉश करके मैं अलग पका ले रही हूँ। और अब इसमें मैं 1 टीस्पून नमक और 1.5 टीस्पून चिल्ली पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये फूड कलर ऐड कर रही हूँ मैं, ऑरेंज रेड। और अब मैं इसको अच्छा मिक्स कर लेके मैरिनेट करने रख दे रही हूँ 15 मिनट्स के लिए। और अब इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड करी मैं 4 टेबल स्पून और इसको अच्छा पकने रख दे रही हूँ मैं 1/2 कप वाटर डाल के। और देखो ये चिकन अच्छा डीप फ्राई हो रहा, अच्छा ग्रेवी फ्राई हो रहा। और अब मैं देखो चिकन अच्छा गल गया, तो फ्लेम ऑफ करके चिकन साइड में रख दे रही हूँ। और ये मीडियम साइज़ की मैं एक ऑनियन चॉप करके रख ली। और नेक्स्ट ये कैप्सिकम है, 1/2 कैप्सिकम। और ये टोमेटो पेस्ट है, 2 टोमेटो का पेस्ट बना ली मैं। और ये करी लीव्स। और देखो मैं यहाँ पे ऑयल अच्छा गरम कर ले रही हूँ। और इसके बाद ये प्याज जो है लाइट फ्राई कर ले रही हूँ। और ये प्याज 2 मिनट तक पकने के बाद मैं इसमें कैप्सिकम और ये करी लीव्स ऐड कर दे रही हूँ और थोड़ी देर भून ले रही हूँ। और इसके बाद जो है ये टोमेटो पेस्ट ऐड कर दे रही हूँ मैं। और नेक्स्ट जो है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक और नेक्स्ट 1.5 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर। और ये सबको मैं अच्छा मिक्स कर ले रही हूँ और लो फ्लेम में 2 मिनट तक पका ले रही हूँ। और अब इसके बाद मैं ये बॉईल करी हुई मैक्रोनी ऐड कर दी मैं। ऐड करने के बाद पूरा अच्छा मिक्स कर ली और मैं इसको 5 मिनट तक अच्छा पकने रख रही हूँ। और इसके बाद मैं ये फ्राई करा हुआ चिकन इसमें ऐड कर दे रही हूँ, चिकन पीसेस। और इसके बाद मैं इसको अच्छा मिक्स कर ले रही हूँ मैं। तो अभी ये मिक्स कर लेने के बाद देखो, मैं इसको सर्व करने डिश आउट कर रही हूँ। तो देखिए, ये क्विक और इजी मैक्रोनी रेसिपी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। और मैं इसके ऊपर ना टोमेटो केचप ऐड करी, आप चाहे तो ऐड भी कर सकते या स्किप भी कर सकते। तो देखिए, ये है इंडियन स्टाइल चिकन मैक्रोनी रेसिपी, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। आप चाहे तो इसे ब्रेकफास्ट में या लंच बॉक्स में तैयार कर सकते ये रेसिपी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।